मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और नीलू नीलकमल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये है बेल जिसको मैं बाहर से फोड़ के ले आई हूँ, क्योंकि हर जगह टाइल्स लगाया तो डर लगता है कि कहीं टाइल्स पे मतलब टाइल्स ना ब्रेक हो जाए। तो इसको इसलिए बाहर से ही फोड़ के फिर उसके बाद धुल करके ले आई हूँ। आज की रेसिपी में है बेल का शरबत। और गर्मी का सीज़न है, जो हम जितना भी लिक्विड चीज़ें पीएं उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये बेल का शरबत कैसे बनता है। तो इसमें देखिए, कोई भी कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। और अब जब डेली आप कोई चीज़ बनाते हो तो वो रूटीन आ जाता है, तो ये आपके लिए टफ बिल्कुल नहीं होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ये चीज़, बेल का शरबत। तो बेल के शरबत के लिए हमने यहाँ पे देखिए एक ले लिया है बेल, और यहाँ पे लिया है चीनी। जितना बेल का शरबत, जितनी इसकी क्वांटिटी बनाएंगे उसी हिसाब से यहाँ पे चीनी जो है मिक्स करेंगे। तो हमारे व्लॉग में बने रहिए और हम लोग आज बनाते हैं बेल का शरबत। तो ये बेल का शरबत फूटा हुआ है, तो इसको ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है निकालते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल अच्छे से पक भी गया है। और हम ले लेते हैं एक स्पून, जिसके थ्रू जो है हम सारा जो निकालते हैं। तो ये देखिए ये है ये सारा, तो इसको हम लोग निकाल कर रखते हैं। ले लिया एक भगोना जिसमें जो है सारा जो है रख देंगे निकाल निकाल के। और पता है ये इतना अच्छा इसकी स्मेल आ रही है, मन कर रहा है ऐसे ही खा ले। क्या शरबत बनाए इसका, इसका मतलब महक बहुत अच्छी आ रही है, जैसे लग रहा है कि हाँ एकदम बहुत अच्छे से ये जो है पक गया है। तो जो कि बेल जो है आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, और सबसे ज़्यादा होता है पेट के लिए, और इसकी जो तासीर होती है वो बहुत ठंडी होती है। तो इसलिए इसको जो है ज़रूर पीना चाहिए। ये देखिए ये पूरा है, अभी इसमें जितने भी बीज हैं उसको भी सब निकाल के सब अलग कर देंगे। और अगर इसको जो है एक दो दिन और अगर नहीं किए होते तो ये खराब हो जाता, क्योंकि देख रहे हैं थोड़ा बहुत वो हो गया है। अगर एक दो दिन और लेट होता तो ये कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है, क्योंकि पक गया है, पकने के बाद जानते ही ना, अगर आप उसको नहीं आते फिर उसके बाद वो ख़राब होता जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए पूरा जो है बेल का जो वो था निकाल लिया हमने। अब इसमें जो है ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही पानी मिलाएंगे। और इसको पहले अच्छे से जो है मसल देंगे, ताकि जो बीज है वो अलग हो जाए और जो खाने वाला वो चीज़ है वो हम लोग खा सकें। तो ये देखिए थोड़ा सा ही हमने पानी मिला दिया। अब इसको हाथ से हम क्या, अरे हाथ से क्या मतलब, इससे जो है खूब क्रश करते जाएंगे, जिससे जो है बीज एक साइड हो जाए और जो है जो माल पानी है मतलब इसका वो एक साइड हो जाए। और आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए ये इस टाइप का हुआ है, ये जो है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अभी हम इसमें देखिए चीनी जो है नहीं मिलाते हैं। चीनी इसलिए नहीं मिला रहे हैं क्योंकि अभी हम इसमें से कई चीज़ें जो है, इसमें एक्स्ट्रा जो रेशे होते हैं वो और जो बीज होते हैं वो सब निकालेंगे। तो इसीलिए चीनी जो है, जब ये पूरी कम्प्लीटली, जब ये पूरी तरीके से घुल जाएगा तब जा करके हम चीनी मिलाएंगे। वो भी टेस्ट के हिसाब से, फिर हमको जितना पानी मिलाना होगा वो पानी मिला लेंगे। फिर उसके बाद जब हम इसमें सर्व करेंगे इसको, तब हम उस टाइम जो है आइस का क्यूब डालेंगे। तो ऐसे ही हमारे व्लॉग में बने रहिए।
देखिए इसको जब हम हाथ से ऐसे से कर रहे हैं ये, तो इसमें क्या है ना, सारा मिक्स भी हो जा रहा है और जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो एक साइड हो जा रही हैं। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ये है। और क्या होता है कि जब हम लोग इसको हाथ से मसलते हैं तो सारा चीज़ मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे। और ये देखिए आप लोग कितना ये डार्क हो गया है, ये देखिए बहुत ही डार्क हो गया है। तो इसमें हम लोग अभी थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे, उसके बाद जो है इसको हम लोग थोड़ा सा फिल्टर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये जो है छन्नी ले आए हैं, तो इस छन्नी के थ्रू जो है हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। और ये देखिए इसमें बीज जो है यहीं पे रह गया, बाकी जो है और सब चीज निकल गया। अब ये देखिए हमारा जो है शरबत तैयार हो गया। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो है शरबत जो है रेडी हो गया है। अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें जो है चीनी हम लोगों ने नहीं मिक्स किया है। तो ये लिया यहाँ पे चीनी, और अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी मिक्स कर देते हैं। और हमारे यहाँ चीनी में क्या है ना, वो रखा हुआ था बतासा, तो ये भी जो है इसी बहाने ख़त्म हो जा रहा है। और ये देखिए हमारा शरबत, अब हम इसमें जो है ये थोड़ा सा और चील हो जाए तो ये पूरा आइस ही डाल देते हैं। ये देखिए ये आइस डाल देते हैं। अब ये धीरे धीरे अपना और भी ठंडा होगा। और ये हमारा शरबत जो रेडी हो गया। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि ये व्लॉग हमारा कैसा लगा और हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और आप इससे भी अच्छा जानते होंगे बनाना, मैं तो इसके लिए मतलब श्योर हूँ। तो अपनी रेसिपी भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।